चले चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का दूसरा बजट पेश किया है, इसी को लेकर हमारी चर्चा जा रही है। चलिए नरेंद्र नाथ जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बोल रहे थे शायद से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार हाउस में हो बाहर हो बड़ी ईमानदारी की बात करती है, ठीक, कि हम बहुत ईमानदार हैं। मैं ये कहना चाहता जो आदमी ईमानदार है वो अपने को ईमानदार क्यों कहता है कि मैं ईमानदार हूं? अगर भाई ईमानदार हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। इसका मतलब जो आदमी ईमानदारी को छुपाना चाहता है, बार बार कहना चाहता है मैं ईमानदार हूं, इसका मतलब बेईमानी को छुपाना चाहता है वो। इसलिए मैं ये कहता हूं, बार बार कहना कि हम बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार सरकार है। अगर ईमानदार सरकार होती तो इसके मंत्री भैया वो करप्शन में क्यों पकड़े गए, विधायक क्यों करप्शन में पकड़े गए? चलिए ठीक, निकाल नहीं दिया सवाल इस बात का भाई, वहां सुनो, ये कोई बात नहीं है। और आज भी उतारे ठीक है, दूसरा मत विधायक सर आज के बजट पे रहता है, आज के बजट में आज इंक्वायरी करा लीजिए उनके खिलाफ, 29 विधायक पकड़े जाएंगे इनको। हमने पिटीशन आज के बजट पे रहते राजेश जी, लोगे तो राजेश जी शिक्षा पर हमने बात की, राजेश जी शिक्षा पर हमने बात की और आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारी बातें बजट पे हम बात करते हैं। बिल्कुल, हमें बजट पर ही रहना है। देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात कीजिए, एक बार फिर से इस बार काफी बड़ा एलोकेशन स्वास्थ्य क्षेत्र को भी किया गया है। 10,000 जो बेड्स हैं उनको एक्स्ट्रा जो और बेड बढ़ाने की बात की गई। पिछले साल भी जब बजट सामने आया था तब यह कहा गया 2 साल में हम 10,000 एक्स्ट्रा बेड्स जोड़ेंगे तमाम अस्पतालों में। अलग अलग अस्पतालों की लिस्ट वहां पर जारी की गई थी, इतने इतने बेड होंगे। 1 साल सर पूरा हो गया है लेकिन एक भी एक्स्ट्रा बेड नहीं जुड़ा है। ऐसा आखिरकार क्या हो रहा है? फिर आप सिर्फ घोषणाएं करें क्योंकि विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। उन बातों को समझने की जरूरत है। हाँ। जैसे कि एक अस्पताल है मेरी विधानसभा में, हाँ। दीपचंद बंधु अस्पताल। हाँ। जब इन्होंने मुझे हॉस्पिटल दिया, मैं 2 साल पहले जा रहा हूँ, 1 साल पहले भी नहीं जा रहा, 2 साल पहले भी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी जो है सत्यन जैन जी उनके साथ काम किया करता था, उसके अंदर फायर की परमिशन नहीं मिल रही थी, उनके उसके गेटों की हालत थी जो उन्होंने बना के दिया बाहर से बिल्डिंग। उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर में पानी गिर रहा था, उसको ठीक कराते कराते जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसको आज यहाँ पे लेके आए हैं कि अब उसके सारे टेंडर हो गए हैं और जो 200 बेड को 400, ठीक है, विधानसभा की नहीं सरकार की कर रहे हैं, आपके बात उसी तरीके से इन्होंने जिस तरीके की जिन हालातों में चीजें दी है उसको ठीक करने में थोड़ा बड़ी ठीक है। बजट एस्टिमेट किया गया कितना उपयोग है इसका जवाब ले, उनके उनके टेंडर हुए हैं, उनके और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके टेंडर हो गए हैं, 100 वेंटिलेटर्स के टेंडर हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड के टेंडर हुए हैं, हर चीज के अंदर एक प्रक्रिया है। ये तो है नहीं कि कोई भी काम साहिब सिंह चौहान जी भी पहले विधायक रहे थे, नरेंद्र नाथ जी भी हैं। वक्त कैसे लग गया आप, कैसे 1 साल के अंदर इतना सब कुछ? पहले बिल्डिंगों का तो ठीक करेंगे, टेंडर का वक्त लग गया, 1 साल में आपको सब क्लियरेंस का वक्त लग गया। आप इस देखिए अभी यही कह रहे थे कि दिल्ली है, आप एक बात को समझिए, अगर आप जून और जुलाई के अंदर कार्रवाई में आपको 1 साल का वक्त लगे, 1 साल का उन चीजों को ठीक भी तो करोगे? विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है, कोई योजना नहीं है, कोई ठोस तरीके। अरे आप एक बात करो, एक बात समझो, ये कह रहे हैं हॉस्पिटल नहीं बनाया, 50 गज का मकान बनता है क्या 1 साल के अंदर? ये कुछ भी बोले चले जाएंगे, कुछ भी बोलते हैं तो, क्योंकि मैं काम में कुछ भी बोलना, बरगलाना लोगों को। आप एक बात को समझो कि जो इस हालात में हॉस्पिटल दिए गए, मैंने एक जो उदाहरण दिया इसीलिए दिया, वो अस्पताल इस लायक नहीं था कि उसमें एकदम से मशीनें लगा दी जाए, उसको बेड लगा दिया जाए, 3 महीने में मशीन ऑब्सोलीट हो जाती है। आज का माहौल ये है, आपको सही टाइम पे तो आप मशीनों को मंगाओगे, नहीं तो ये तो इनकी तरह भ्रष्टाचार कर रहा हूं, हर साल मशीन कहीं पर भी चीजें आपसे आगे, कहीं पर भी आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, आपने अपनी जगह का कहीं पर भी ऐसा नहीं हो पाया, हालात ऐसे नहीं थे। 100 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो इसी महीने चालू होने वाले हैं, टेंडर हो चुके हैं, चला के देखेंगे तो सही, जनता का पैसा है, आपकी आयु 1.5 चली गई, जनता का पैसा है, शौचालय 35% बजट खर्च। नरेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, नरेंद्र जी एक सेकंड, नरेंद्र जी है, अब तक टोटल दिल्ली में 39 हॉस्पिटल है, ठीक, और बेडों की संख्या वहां पर है 10,994 बेड, ठीक, ये क्लेम कर रहे हैं हम 10,000 बेड बढ़ाएंगे, तो भैया अस्पतालों में टेंट लगाएंगे क्या, उसमें बेड लगाएंगे? मैं कह रहा हूं अब तक जबकि 39 हॉस्पिटल बने हैं, इनको 10,000 बेड बढ़ाने के लिए 39 हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, 39 हॉस्पिटल को बनाने के लिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते, आप झूठी घोषणा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 10,000 बेड बढ़ाने के लिए 39 हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। नंबर 2, आज तक LNJP में ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं हुआ जो पिछले दिनों ने घोषणा की थी, उसके बाद 500 क्लिनिक खोलने की बात की थी, अभी तक 1 क्लिनिक खोली है इन लोगों ने। दूसरी बात, 110 एम्बुलेंस कहा था कि 10 एम्बुलेंस आधुनिक बनाएंगे, 110 में से एक भी एम्बुलेंस आज की तारीख में सड़क पे नहीं आई, वही घोषणा इन्होंने इस बारी कर दी। मेरा कहने का मतलब है
हेल्थ के लिए बात करते हैं कि दवाइयां फ्री देंगे, कोई दवाई फ्री नहीं मिल रही है। आज डॉक्टर सुनो, फिर वही बात, सब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आज भी। दूसरी बात इन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कहा नहीं, अरे यार तुम सुनना नहीं चाहते यार, सुनो तो नहीं पहले आपका कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप उसकी वजह से आपको मौका मिलेगा। आप उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स रखेंगे रिटायर्ड जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, अरे वो पूछो जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है वो तुम्हारे यहाँ पेशेंट देखने आएगा, वो पेशेंट को क्या करेगा, शाम को अपने क्लिनिक पे बुलाएगा। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स है वो क्या करेंगे बेचारे, उनके 70 साल की उम्र होगी, वो पेशेंट क्या देखेंगे वहां जाके। डॉक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट था, जो कंट्रैक्ट पे डॉक्टर्स लगाए थे 2011 में, इन्होंने आते ही नरेंद्र जी आप इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बकायदा इसकी तारीफ तो खुद जो आज जिक्र किया मनीष सिसोदिया साहब ने कि जो अमेरिकन जो न्यूज पेपर है बकायदा वहां के जो पत्रकार है वो इसकी तारीफ करें जो दिल्ली सरकार ने किया है। अरे भाई मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो सही, उसका इंप्लीमेंट तो करें, जब इंप्लीमेंट करेंगे तो पता है। डॉक्टर्स 2011 में हमने कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स लगाए थे, इन्होंने सारे डॉक्टर्स आते ही सारे हटा दिए, सारे टीचर्स हटा दिए। आप पहले कितने हट गए? अरे मैं कह रहा हूँ ना, हटा दिए टीवी पे कुछ बोले जाओगे दो। अगर मैं साबित कर दूँ, आप साबित कर दो, चलिए ठीक है। एक रुक जाओ, अभी अस्पतालों की बात हुई है, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलती है, वो काम मेरा हॉस्पिटल जो बताए उसमें से 10 ऑटोनोमस है, सिर्फ 38 है, 39 मिले। एक मिनट सर जी रुक जाओ, अरे सर जी रुक जाओ, आपको नहीं पता, ऐसा बनाया उसके अंदर पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग की अगर आप हालात देखोगे, आप मेरे साथ कैमरा लेके चलना, इन्होंने जिस तरीके से बेड लगा चुके हैं सारी जमीन खराब कर रखी है। सौभाग्य है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक आर्किटेक्ट भी हैं, उन्होंने किस तरीके से, फिर वही आता है कि उदाहरण देता हूं, दिक्कत होती है 200 बेड के जहां पे आप देख लेना ना, हम बना देंगे, आप चिंता आप करो। चलिए शंभुनाथ जी, शंभुनाथ जी हमारे साथ ये कांग्रेस का मतलब तो करप्शन है, सबका मतलब कांग्रेस पार्टी है, जिंदगी में कुछ करा मंत्री ठीक है सर, आप बोल दीजिए क्योंकि मेरे को शमना जी का शंकर जी देखिए 35-40% के बीच में पिछला बजट खर्च हुआ है, ये सरकार की अक्षमता को दर्शाता है। मैंने कहा कि 13 महीने में एक साल के बजट में 1 मेगावाट बिजली का जनरेशन दिल्ली में नहीं होता है, एक भी आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिर भी बिजली नहीं जाती है, प्लीज फिर भी पानी पूरा मिल रहा है, अरे हमारी वजह से मिल रही है, ये हमारी वजह से नहीं मिल रही है, ये तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही बिजली, आपकी वजह से तो सरकार आई है, आपकी वजह से आ रही है, हमारी वजह से सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जिक्र हो रहा था मेडिकल के, पहले पूरी बात कर दीजिए मेडिकल के बारे में शंभुनाथ जी, मेडिकल कॉलेज पिछली बार अलॉट किए गए थे, अब केवल 3 करोड़ बढ़ाए, आई की प्रायोरिटी इनकी, एक अस्पताल नहीं खुलता, कोई टीचर्स की नहीं भर्ती नहीं होती, कोई भी आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए एक भी एम्प्लॉय जो वादा किया था वो रेगुलर नहीं हुआ था, लंबी लंबी लाइन लगा दी 2011 का हाल है हॉस्पिटल का, ये कैसे कर रहे हो? चलिए विपक्ष और कह रहा है सरकार की बरकरार है, विपक्ष का कहना है सुन लीजिए किस तरह से बरकरार है, फिर भी सरकार ने एक बात और कहूंगा मैं, शमुना जी जो कोशिश की बात हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक है ये, जो बजट पर बात तो करिए, अस्पताल ये 3-tier सिस्टम की बात की जा रही है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसकी तारीफ कर रहे हैं, विदेशी जर्नलिस्टों सरकार की कोशिश आपको कैसे नजर ये आती बजट घाटे का बजट है, वास्तविकता के करीब नजर आती है, ये 1653 ठीक है शमुना, ये 1653 करोड़ रुपए घाटे का बजट है, जो 136 करोड़ से बढ़कर के इस बजट में घाटा 1653 करोड़ हो गया। साहब जी शमुना जी को सुन लेते हैं, स्वीकार करनी चाहिए दिल्ली में 3 बातें सरकार ने वाकई क्रांतिकारी की हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक है इनका ऑड इवन का फार्मूला,
ये सब कहीं ना कहीं हेल्थ से जोड़ रही है। ये विकास में आएगा क्या? एक मिनट, ये विकास में आएगा? अरे बात तो सुन लीजिए, ये विकास में, सब्सिडी विकास में आता है, ये बात उनको पूरी कर लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, इसलिए मेरी बात यहां भाषण नहीं, ये बजट जो मरीज से सो जाएंगे। साहिब जी, साहिब जी, साहिब जी, शमुना जी भाषण नहीं दे रहे, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। साहिब जी, शमुनाथ जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार, मैं कह रहा हूँ करोड़ रुपए का घाटा ये मनोज सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने दिखाया है। तो बात बढ़कर के 1653 हो गया, बुला लिया गया। मनीष 1600 ये बजट ये रहा, साहिब जी, साहिब जी, राजेश जी, राजेश एक सेकंड, दोबारा चुनाव लीजिए, राजेश जी, राजेश जी बता देंगे, अभी आपको अभी बता देगी, अभी हो जाएगा। मार काट के अलावा जानते क्या हो, आपने करा क्या है? नहीं नहीं सर, प्लीज 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 प्लीज, 15 साल के लिए भारत, सर प्लीज सर प्लीज प्लीज, मार काट और जी जी सर, ये एक टीवी चैनल है, इसलिए इसमें प्लीज इस तरीके की बात समझ में नहीं आएगी सर। मेरा कहने का मतलब है, सरकार ने जो बजट पर चर्चा की बात को सुनो, जो तीन काम, जो तीन काम कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें आर डिवेन, अब आर डिवेन इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो प्रदूषण को रोकता ही है, कहीं ना कहीं तो रोड रेज की घटनाएं जो ट्रैफिक जाम के कारण होती थी उनको तो रोकता ही है, तो इसे डेवलपमेंट की चीज माननी चाहिए। तो आरडीवन का फार्मूला, मोहल्ला क्लिनिक, ई रिक्शा, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आरडीवन फार्मूला दिल्ली सरकार उसे पूरी तौर पे लागू नहीं कर पाई, इसमें फेल मैं ये मानूंगा, क्योंकि बार बार 15-15 दिन तक के लिए कोई फैसला करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हिचक रहे हो, खुद उसके बारे में 12 लाख रुपए दे दिए, बहुत क्लियर नहीं हो कि हमें कैसे लागू करना है। 6 लाख रुपए एक गाड़ी के लिए, सर बात बात कुछ भी बीच में बोले, लेकिन लेकिन अगर ये कुछ भी बोले, अगर लागू होता है लॉन्ग टाइम दिल्ली के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, प्रदूषण कम होगा, दिल्ली में रोड रेज घटनाएं कम होंगी, कहीं ना कहीं इसमें एक बेहतरी की उम्मीद है। दूसरा है जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, दिल्ली में वाकई बात सही कही उन्होंने कि दिल्ली में बहुत सारे लोग इलाज कराने के आते हैं, और दिल्ली का मतलब अकेले दिल्ली नहीं है, अस्पताल तो दिल्ली सरकार के भले हो लेकिन पूरे एनसीआर के लोग दिल्ली ही जाते हैं, गाजियाबाद का आदमी बीमार पड़ेगा, मेरठ का आदमी बीमार पड़ेगा तो दिल्ली ही जाएगा, फिर वहां तो नहीं किया जाता कि नहीं आप बाहर से आपका इलाज नहीं होगा। इसलिए मोहल्ला जो अस्पताल खोलने की बात है वो निश्चित तौर पर एक बेहतर कदम है। अब उनके पास इतने डॉक्टर नहीं मिल सकते, जिस तरह डॉक्टरों कमी है, जिस तरह से डॉक्टरों को फीस है, वो सब चीजों से तुलना की जाए, लेकिन फिर भी ये एक सुधार की दिशा में एक कदम है। मैं ये मान सकता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो पिछली बार वायदे किए थे उन पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है, अपने उन वायदों पर अमल नहीं कर पाई है। देखिए शमुना जी, आपके जवाब से मेरा सवाल है कि आपने बोला कि इतने रिसोर्सेस नहीं या फिर इतने डॉक्टर्स नहीं है जो कि इतने वादे किए थे, एक साल में एक मोहल्ला क्लिनिक आप शुरू कर पाते हैं, अब आप 1000 टेंडर की बात करते हैं, एक महीने में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करते हैं, फिर ये कैसे पूरा होगा? मेरे कहने का आशय ये कि अगर मनसा ठीक है तो हो सकता है आगे तक हो भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मनसा एक उन्होंने दिखाई कि मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए, ये कॉन्सेप्ट लेके आए, ये ठीक है, तो इस तरह की चीजों को गौर किया जाना चाहिए और विपक्ष को भी इस पर फोकस कराना चाहिए कि सरकार जो वायदे करती है उस पर कितना अमल कर रही है, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बजाय बहस करने की जरूरी है कि जो जन स्वास्थ्य, जो नागरिकों के हित के लिए जो कदम उठाए गए उन पर जोर डाला जाए। और अगर अगर ही दिल्ली सरकार बजट में घोषणा कर रही है और ये नहीं पूरा कर पाती है तो कांग्रेस, बीजेपी और भी जो विपक्षी दल है उनका दबाव डालना चाहिए कि सरकार उनको पूरा करे। जी अच्छा अच्छा ठीक है, आप सौरभ जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी, आज ये बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा है। मेरी एक छोटी सी बात है कि एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, उसमें 1 रुपए में सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है टैक्स पेयर के पास, और अगर इस गवर्नमेंट ने 1 रुपए में 40 पैसा पहुंचा दिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस बजट में बड़ी अच्छी अच्छी नई ISBT की बात की है द्वारका में, द्वारका के लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी ये एक कैंटीन की बात की है जहां पर सस्ते दामों पे खाना मिलेगा, पोर्टेबिलिटी की बात की, पोर्टेबिलिटी की बात की, राशन कार्ड की, झुग्गी झोपड़ी वालों को कनेक्शन देने की, वाटर कनेक्शन की, दिल्ली जल बोर्ड जो लॉसेस में था उसको 178 करोड़ का प्रॉफिटेबल बनाया गया। ऐसा नहीं है इस बजट में साहब, वैट आज तक का कोई टैक्स कम नहीं होता, इन्होंने टैक्स को कम कर दिया, 5% कर दिया, बहुत सारे आइटम, मार्बल बहुत यूज होता है, क्लोथ्स सब, कपड़ा तो कम से कम पहने ना इंसान, गांधी जी ने तो कपड़ा पहनना छोड़ दिया, इन्होंने उस पर 5% टैक्स कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो इन्होंने की है, और दिल्ली की हाल हेल्थ की हम बात करें तो जिस जहां पर 6 करोड़ लोग ओपीडी में आते हैं और 6 लाख लोग, 3 करोड़ लोग आते हैं ओपीडी में और क्या कहते हैं 6 लाख लोग भर्ती होते हैं, इस सिस्टम को मैनेज करना और बहुत बड़ा काम है,
और दूसरी बात, पहला जो ये कह रहे हैं कि एक साल में जो इतनी गवर्नमेंट, जो इतने इतने वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं बीजेपी के, जो जिनको इतने साल लग गए, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नई पार्टी जो बनी है और जो करप्शन, और इनके हाथ से एंटी करप्शन ब्यूरो भी चला गया, इनके हाथ से करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इनके हाथ से चला गया। तो मेरे हिसाब से हमें इसको पॉलिसी स्टैंड पे कि कहां कमी रह गई उस हिसाब से हमें एनालाइज करना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हुई, लेकिन मेट्रो के लिए फीडर आज की डेट में बहुत लोग मेट्रो यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमें जैसे पॉलिसी इशू है कि हमें फीडर बसेस और चाहिए जो कि इसमें नहीं डाली गई। ट्रेनिंग की बात की गई, अभी हमने ट्रेनिंग, हम ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, कैम्ब्रिज भेजेंगे, हम इतना पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन टेक्निकल टेक्निकल एक छोटी सी बात, ये जो ट्रांसपोर्ट की बात आपने कही ना, पिछली बार 380 सेमी फ्लोर बसेस, 500 मिनी बसेस जो कि खासतौर पर फीडर बसेस के तौर पर शायद से उनका इस्तेमाल होना था, क्लस्टर बसेस 1000 नई बसें जोड़ने की, लेकिन अभी तक एक भी बस नहीं उतरी। अप्रैल से सितंबर तक लग जाएगा लगातार, जो ये जो बयान था वो सामने आया था, अभी तक एक साल में एक भी बस नहीं छोड़ी गई। हाँ सौरभ जी, हाँ ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रोसीजर फॉलो करना होगा। साथ में इस गवर्नमेंट के ऊपर एक और चीज देखी जाएगी, जो बहुत सधे हुए लोग हैं बीजेपी के, कांग्रेस, सब एक रुपये खर्च करेंगे उससे पहले चार लोग उसको प्रश्न करेंगे और जनता भी प्रश्न कर रही है, इनका हर एक्शन को स्क्रूटनी सब कर सकते हैं, मीडिया भी कर रहा है, तो दे हैव टू स्पेंड वेरी पर्टिकुलरली। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 2000 लो फ्लोर बसेस ये लाएंगे और ये लाते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय। हमें बजट को पॉलिसी, हमें जैसे स्कूल के ऊपर ये कह रहे हैं हम ट्रेनिंग पे भेजेंगे, अब वहां विदेश में एक जने को भेज के, यहाँ पर अभी हमें छोटी बुनियादी बातें हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो अप टू मार्क नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, वोकेशनल एजुकेशन को जो जर्मन मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से अगर हम 12वीं क्लास के बच्चे को एक हम वोकेशन के अंदर ट्रेन कर देंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या बुनियादी हरकतें कर रहे हैं ये हमें वो जानने की जरूरत है। नरेंद्र नाथ जी एक बड़ा पहलू है आज हमने सुना, किस तरीके से जब मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से जिक्र किया बिजली पानी जो हाफ और माफ का जिक्र है, एक बार फिर से ये मनीष सिसोदिया करते आए, 1600 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान एक बार फिर से किया बिजली को लेकर, कुछ देर पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, आप इसी पर बात, मैं आपको मशीनरी जी बताना चाहता हूं कि 5 यूनिट का बिल बिजली का यह आया 137.54 रुपए का, और उसमें सब्सिडी मात्र 10 रुपए दी गई है, तो आप मुझे बताइए बिजली आप कहां है, ये जो बिजली आपकी बात कर रहे हैं 137 रुपए का बिल 5 यूनिट का और उसमें सिर्फ 10 रुपए सब्सिडी मिली है, तो मैं कहता हूं बिजली आप कहां है, एक नंबर झूठ, अरे लोगों से झूठ तो मत बोलो, दूसरा भी ये बिल देख लीजिए आप, देखिए ना नरेंद्र नाथ जी, बताइए कहां है, ये सोचता था आप जीरो पे कैसे आ गए, अरे समझ में आया आप जीरो पे कैसे आ गए, बता रहा हूं नीचे सुनो, ये जो बिल है एक मिनट 600, सुनो मेरी बात सुन लीजिए पहले, इसका पिछले साल का बिल ले आओ, अरे भाई इनका पिछले साल का बिल आयो, इनका पिछले साल का बिल बनी है यार, पिछले साल का भी बिल लाए हो, ये एक मिनट सुनोगे मेरी बात, जो मेरी बात मेरी आपकी बात समझ में आपकी बात समझ में नहीं समझ रही, मुझे समझ में आ गया, आप मेरी बात सुनो, ऐसा है एक बिल आया 834 रुपए का, एक बिल आया 834 रुपए का, ये 108 यूनिट का, इसमें सब्सिडी कितनी दे रहे हैं 216 रुपए, कहां इसमें आप है, देखो ऐसा है 800 इनकी ये हालत, इनकी इनकी ये हालत, राजेश जी जवाब दे रहे हैं, राजेश ये राजनीतिक दिवाली अपन इसी को कहते हैं, अरे दिवाली बन क्या कर रहा है, ये तुम्हारे बिल तुम्हारे सामने रखे, सुनो तो सही, पढ़ो देखो ना इनको, तुम एक नंबर झूठे हो, तुमने झूठी सरकार चला रहे हो, तुम लोग झूठ बोल के सरकार चला रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, उपचुनाव के लिए पानी पानी सुनो बोल रहे हो, पानी कहते फ्री कर दिया, अरे पानी फ्री का झूठ बोल रहे हो आप लोग, चलिए ठीक सुनो, मीटर में केजरीवाल के बैंगलोर दो कंपनी से शॉर्ट कट कर लिए अपनी, पहले हम 8 मीटर लगेंगे, आज हमें 2 कंपनी के मीटर लगेंगे, 40 रुपए का मीटर, 700 रुपए का मीटर लगता था, आज 1400 रुपए का मीटर लगा, अरे छोड़ो चोरी करना छोड़ दो, तुम्हारे से बड़ा चोर कोई हो नहीं सकता, चलिए राजेश आ रहा हूं साहब जी, साहब जी आ रहा हूं एक सेकंड, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, इनकी सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि ये जानते हैं कि लोग इनको चोर गिनते हैं, इसीलिए इनको बड़ी दिक्कत हुई है, कह रहे हैं हम क्यों कहते हैं ईमानदार, क्योंकि ये खुद चोर है, देखो परेशान हो रहे हैं, अभी ऐसे परेशान घूमेंगे, इनको क्या लगा है, खुद ही निकले दिल्ली प्रदेश, एक ने बोल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जब इनकी जमानती जब्त हो जाएगी, और ये घबरा, अब ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, आजकल ये सर्वे करा रहे हैं, उसमें इन्होंने एक सवाल लिखा हुआ कि आपके बिजली पानी के रेट कम हुए, और ये खुद ही जानते हैं कि 100% लोग कहते हैं बोलने दो बोले, ठीक है नरेंद्र जी, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, 50% उसका जवाब सुन लेते हैं, सिंपल बात कह रहा हूं, आपने अपनी बात जो बैठे हैं ठीक है यार, जो यार ठीक है यार, आप टीवी में यार कह रहे हैं अपने घर में जाके, नहीं तभी से बात कर, आप जो बोल रहे हैं तभी से बात,
जी के नाम से नरेंद्र जी मैं माफी मांगता हूँ अगर आपको कोई बात गलत लगी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये देखो मेरे तुम्हारे सामने क्या क्या बात कर रहे हैं कोई बात नरेंद्र जी बोलने नहीं दे रहे नहीं दे मैं बात करूँ आपसे बात करनी ना मैं नरेंद्र जी नरेंद्र जी अगर आपको कोई बात गलत लगी है जो कुछ यहाँ पर राजेश ने बोला उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ये जो करने जा रहे हैं उनके लिए कौन माफी बेईमानी के अलावा करा किस पार्टी चलिए वक्त हो गया साहिब जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद आप